These rolling hills of the Vindhyas in the heart of India near Bhopal were home to some of the earliest humans. These big boulders, part of one of the oldest mountain ranges of the subcontinent, also acted as shelters to settlers who lived here thousands of years ago. They left their mark on the walls in vivid patterns and arts, and this is what makes Bhimbetka one of the most famous prehistoric sites in the world and a UNESCO World Heritage Site. Archaeologist Dr. Vyas was part of the team that excavated the site in the early 1970s. And he took us for a tour of the caves that were home to early man. Nestled in the hills, teeming with wildlife and food, Vyas says Bhimbetka and the area around it provided an ideal setting for early man. एक्चुअली ये जो पूरी जो साइट है विंध्याचल पर्वतमाला में आती, ये आदि मानव के रहने के लिए बड़ी उपयुक्त थी, क्योंकि इसमें काफ़ी शेल्टर्स प्राकृतिक बने हुए थे, जंगल बहुत था, और यहाँ पे खाने पीने के लिए, रहने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती थी। शिकार के लिए जानवर यहाँ बहुत आयत में थे, और यहाँ पे आसानी से जो पत्थर के हथियार बनाते थे वो पत्थर की क्वालिटी सैंडस्टोन की बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। तो यहाँ पे जितने भी क्लीवर्स बनाए या हैंडएक्स बनाए या जो भी बनाए, तो उससे जो शिकार करते थे यहाँ उनके लिए बहुत उपयुक्त था। पानी पर्याप्त मात्रा में था, रहने के लिए बड़ी अच्छे स्थान था। इतने सुंदर स्थान जैसा भीमबेटका में है विंध्याचल पर्वतमाला में, उतना सुंदर कहीं नहीं है। यदि नर्मदा किनारे एक साइड में हम देखते हैं तो ये विंध्याचल पर्वतमाला है, दूसरे तरफ इसमें सतपुड़ा। तो सतपुड़ा रेंज में हमें चित्र तो मिलते हैं, पर इतने नहीं मिलते जितने यहाँ देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो फाइन ग्रेन इसका सैंडस्टोन है, इसकी जो सरफेस बड़ी स्मूथ है, तो ये हाथ बड़े पेंटिंग बनाने वाले कलाकार के बड़े अच्छे चलते थे और बहुत अच्छे तरह से बनाते। Spread over an area 1,892 hectares, what people don't realize is that the rock shelters here are spread over hills, including the Vinayak, Bhonravali, Bhimbetka, and the Lakhajor. The Bhimbetka hill is the most accessible and the area where much of the excavations have been done. A lot of credit for the work done here goes to Dr. V.S. Vakankar, who first discovered Bhimbetka. How he found it is a story in itself. तो एक बार कह रहे थे, एक बार किसी काम से वो भोपाल से नागपुर जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी ट्रेन रुकी, पैसेंजर ट्रेन थी, तो ट्रेन से अब्दुल्लागंज में रुके, वहाँ देखा कि सामने बहुत बड़ा पहाड़ है और बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, तो वो समझे कि शायद कोई किला होना चाहिए। ऐसे उत्सुकता, यानी वो उनके मन में उत्सुकता हर चीज़ की होती थी कि वो हर चीज़ चाहते कि मैं देखूँ। तो यही सोच के वो अगला स्टेशन जो था अब्दुल्लागंज के बरखेड़ा स्टेशन, वहाँ उतर गए। उस समय शाम हो गई थी और उस समय मार्च का महीना था, ऐसे कहते 23 मार्च, उन्होंने बताया था 23 मार्च 1957 में सबसे पहले यहाँ आए। तो यहाँ पर जब उतरने के बाद सुबह के समय में, अगले दिन ये इनके चट्टानों के डायरेक्शन पे देखते हुए यहाँ आए, तो जब पहाड़ी के ऊपर आए तो उन्होंने यहाँ मंदिर देखा, तो मंदिर में देखा एक बाबा बैठे हैं, तो उनसे कुछ कुशलक्षेम पूछी, क्या हुआ, क्यों आए, कैसे आए। तो वाकणकर जी ने अपना उद्देश्य बताया कि मैं इस उद्देश्य से आया हूँ शैल चित्रों को देखने के लिए। तो वाकणकर जी के साथ कुछ घूमे या गुफाएं देखी, उन्होंने ऑडिटोरियम देखा, हाथी गुफा देखी, कई ऐसी गुफाएं देखी। यहाँ जब उनका ये विचार, तो हम लोग डिस्कस करते थे कि इतना बड़ा स्थान है, ज़रूर आदि मानव के अवशेष मिलना चाहिए। तो पहले पूरा क्षेत्र सर्वे किया, फिर उन्होंने जो ऑडिटोरियम जो सबसे बड़ा शेल्टर है वो उनको ठीक लगा, तो वहाँ उन्होंने जगह देखी, दो जगह देखी कि ये स्थान उपयुक्त होना चाहिए कि यहाँ उत्खनन करना चाहिए। Dr. Vyas was part of the team that excavated Bhimbetka in the early 1970s. At that time, this area was inaccessible. However, archaeologists like him were enthused because there was clearly a lot to find here. प्रारंभिक में जब वाकणकर जी के साथ हमने सर्वे किया था, तो पूरे 10 किलोमीटर के क्षेत्र में उन्होंने कई ग्रुप्स बनाए, तो हर ग्रुप में शेल्टर्स हैं। उसमें सबसे पहला ग्रुप विनेका ग्रुप है, दूसरा भोरावाली ग्रुप है, तीसरा भीमबेटका का ग्रुप है, और चौथा और पांचवा लाखाजवार ईस्ट और वेस्ट है, और उसके बाद जो छठा सातवां ग्रुप, तो वो थोड़ी दूरी पर है, रेहटी रोड पर पड़ता है, उसको बाबा की मुनि बाबा की खो और पीर का बड़ला कहते हैं। तो पूरा सर्वे के करने के बाद जो पांच ग्रुप जो है लाखाजवार तक के, करीब 650-700 लगभग रॉक शेल्टर्स हैं, उसमें आधे से भी अधिक उनमें चित्र बने हुए,
क्योंकि छोटे बड़े सभी शेल्टर देखे, सभी में चित्र हैं, लेकिन कुछ जो शेल्टर जिसमें चित्र नहीं है। लेकिन वर्तमान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब इसका रिसर्वे करवाया, जब यूनेस्को में इसको लिए जाने के बाद, तो कुल यहाँ 1000 रॉक शेल्टर मिले। क्योंकि अब वो 1000 रॉक शेल्टर्स मिले, उसमें पेंटिंग कितने में ये भी देखना बाकी है। फिर भी कम से कम 500-600 के अंदर इतने पेंटिंग जो पहले हमने देखे वो हैं। There are as many as 1,000 rock shelters across Bhimbetka and the hills that surround it. And excavations have found that human occupation here goes back to the early Paleolithic period over 60,000 years ago. तो उन्हें पहली ट्रेंच जो ली बीच में ऑडिटोरियम के बीच में, तो उसमें देखा कि ज़्यादा डिपॉजिट नहीं मिला, क्योंकि उसमें पानी का ऐसा बहाव था पुराने समय का तो सूख चुका, लेकिन उसमें ऐसा कोई सीमेंटेड मटेरियल आ गया था जिसे ब्रेजिया कहते हैं। तो ब्रेजिया के अंदर टूल्स काफ़ी एम्बेडेड थे, तो छेनी हथौड़े से वो निकाले, लेकिन उसमें समय ज़्यादा बर्बाद हो जाता। तो उन्होंने एक दूसरा स्थान देखा, यानी वो जो एक एंट्रेंस जैसा दिखता है गेट जैसा, वहाँ उन्होंने एक स्थान देखा। तो 4x4 meter की उन्होंने ट्रेंच ली और धीरे धीरे खोदना शुरू किया। तो खोदने में उनको जो पता चला कि यहाँ अलग अलग डिफरेंट लेयर्स है, यानी मिट्टी का जमाव अलग अलग कालों का है, तो उस ऊपर से लगा के सबसे नीचे तक गहराई तक गए, तो सबसे नीचे उनको लेवल में कुछ एक गोल पत्थर मिले। गोल पत्थर एक पेबल टूल बोलते हैं यानी आर्कियोलॉजी के लैंग्वेज में, तो उसमें फ्लेकिंग होती है, उसको चापर भी बोलते हैं, चापर चोपिंग भी बोलते हैं, वो सबसे नीचे लेवल मिले। तो उन्हें लगा कि यहाँ पर जो पेबल टूल कल्चर है बहुत पुरानी, सबसे पुरानी सभ्यता है। तो उसके बाद जब थोड़े ऊपर लेवल में आए तो उनको कुछ नहीं मिला, स्टेराइल लेवल बोलते हैं जिसमें कुछ नहीं मिलता। उसके ऊपर उन्होंने पेलोलिथिक टूल्स उन्हें मिले, पेलोलिथिक टूल्स ने डिफरेंट टाइप्स के। अच्छा, उस समय क्या है कि जब 1972-73 में एक्सकवेशन हुआ तो टर्मोलॉजी कुछ अलग थी, तो उसको सीरीज 1 टूल बोलते थे और टूल्स टाइप के भी नाम थे। जो नीचे कुछ फ्लैग टूल मिले जिसमें क्लीवर टाइप के कोई रफ टेप थे, तो उसको अभिविलियन टूल कहते थे। और उसके बाद थोड़ा और अच्छे मिले, अशुलियन टूल्स मिले। तो क्योंकि एक फ्रांसीसी एक टर्म्स है कि सबसे पहले ये अभिविलियन और माजदर अशुल, वहाँ ये टूल्स मिले, तो उसके टर्म्स वो देख, तो उस समय टर्म्स वो चली थी। तो पेलियोलिथिक लेवल जो पेबल टूल हुआ, पेबल टूल के बाद अभिविलियन, फिर अशुलियन, उसके बाद मिडिल स्टोन एज में कुछ छोटे टूल्स बनने लगे जिसमें फ्लेक थी, स्क्रैपर्स थी। वो जब लेयर समाप्त हो जाती तो लेट स्टोन एज आ जाता है। स्टोन एज का जो आखिरी पीरियड होता उसमें अधिकतर माइक्रोलिथ्स मिले। माइक्रोलिथ्स तो कई तरह के थे, ग्रीन जास्पर के थे, रेड जास्पर के थे, बहुत से स्क्रैपर थे, ब्लेड्स थे, पॉइंट्स थे, इस टाइप के। और कई टाइपोलॉजी थी जिसमें आर्कियोलॉजी में कुछ ल्यूनेट्स बोलते हैं, ट्रेपिस बोलते हैं, पॉइंट्स बोलते हैं, इस टाइप के टूल्स मिले। और उसके ऊपर लेवल पे मेसोलिथिक लेवल आता है जिसे मध्यास में भी कहते हैं। मेसोलिथिक लेवल में कुछ माइक्रोलिथ्स मिले, थोड़े बड़ी साइज के थे, वो भी जास्पर के, चालसीडोनी, क्वार्ट्ज, इनके सबके मिले। उसके पश्चात उसके माइक्रोलिथ्स के ऊपर जो लेयर्स थी वो चालकोलिथिक पीरियड की मानी जाती है। तो चालकोलिथिक पीरियड के अंदर कुछ ब्लेड्स मिली थी, लेकिन मेनली तो उसमें पॉटरी होती थी। कुछ पॉटरी ऐसी मिली जो कि चालकोलिथिक पीरियड से मिलती जुलती है, क्योंकि आसपास वो एक दो साइट थी, उसके लिए कंपेरेटिव स्टडी करी उन्होंने, तो उसमें लगा कुछ पॉटरी पे हिरण वगैरह जैसे बने जो कि चालकोलिथिक लेवल में बनाए जाते थे। यदि हम टूल्स टर्मोलॉजी से देखें तो सबसे अर्ली टूल्स ऑडिटोरियम के उसमें मिले, जो सबसे नीचे पेबल टूल्स मिले, क्योंकि जब पेंटिंग बनाने की जो प्रथा है काफ़ी अपर स्टोन से चालू होती है। While this area must have been occupied for tens of thousands of years, most of Bhimbetka's cave art comes from the Mesolithic period around 10,000 years ago. Though some caves have hints of even earlier paintings on which new ones seem to have been superimposed. अच्छा, पेंटिंग बनाने की प्रक्रिया जो यहाँ हुई है मनुष्य में, वो अपर पेलियोलिथिक लेवल से मानी जाती है। चूँकि भीमबेटा के मेन ग्रुप में वो नहीं है, लेकिन जो सेकंड ग्रुप इसका है जिसे भोरा वाली ग्रुप कहते हैं, उसमें कुछ शेल्टर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड पेंटिंग है, जिसमें नीचे ग्रीन पेंटिंग है, उसके ऊपर लाल रंग के पेंटिंग है जो कि मेसोलिथिक लेवल के, उसके नीचे अपर पेलियोलिथिक लेवल के हरे। चूँकि उसके अंदर क्या ये प्रश्न उठता है कि अपर पेलियोलिथिक कैसे माना, क्योंकि यहाँ पर एक रॉक शेल्टर में एक्सकवेशन किया था तो यहाँ चालकोलिथिक मेसोलिथिक लेवल पर एक बरियल मिला था, चाइल्ड बरियल, उसकी जब डेटिंग हुई थी 10,000 साल एंड मेसोलिथिक पीरियड। और उसके नीचे तब थोड़ा और एक्सकवेशन किया तो कुछ ग्रीन कलर के नोड्यूल्स मिले, जैसा लगता है जैसे उसमें कलर निकाला, तो वो कलर और जो रॉक पेंटिंग का कलर दोनों समान करते हैं। तो वो जो लेटर लेवल था
अपर पैलियोलिथिक पीरियड का था, इस प्रकार उसकी कंपरेटिव स्टडी की। उसके बाद जो टर्मोलॉजी जैसे होती है, अपर पैलियोलिथिक के बाद में मेसोलिथिक है, उसके बाद चालकोलिथिक है, फिर हिस्टोरिकल है, फिर मेडिवल पेंटिंग। तो इनके भी जो डिफाइन किया हुआ है कि जो अर्ली पेंटिंग होते हैं, चाहे मेसोलिथिक लेवल के या चालकोलिथिक, मोस्टली उसमें हंटिंग सीन और डांसिंग सीन, कुछ जानवर ऐसे बनाए जाते थे जो केवल उसी पीरियड में मिलते हैं, जिसमें बारहसिंगा है, भैंसा है, चीतल है, भैंसा है और गाय है, ये चीज़ें मिलती है, नील गाय वगैरह। लेकिन जैसे हिस्टोरिकल लेवल से प्रारंभ होता है उस पर इस प्रकार के पेंटिंग कोई नहीं मिलते, जानवर जरूर मिलते हैं लेकिन उसमें विशेष रूप से घुड़सवार है, युद्ध के सीन है, घोड़ा पहली बार जो एक क्षेत्र में हिस्टोरिकल लेवल में मिलता है, जो कि चालकोलिथिक लेवल है उसके ऊपर जो सुपर इम्पोज्ड पेंटिंग है उसमें हमें देखने को मिलता है। तो उसमें मोस्टली युद्ध के सीन ज़्यादा आते हैं, डांस वगैरह कितने कम आते हैं, मोस्टली घुड़सवार है, आर्चर है, तरनोधारी है और पैदल सैनिक है, जो ढाल तलवार लिए, धनुष बाण लिए, कि कई प्रकार की सेना है। तो यह मुख्य रूप से हाथियों के युद्ध है आपस में, जिसमें दो सेना है, एक बड़ी एक छोटी। तो बड़े हाथी पे राजा बताया, छोटी हाथी पे राजा बताया, तो उसको ये मतलब ये है कि एक बड़ी सेना है और एक छोटी सेना है, तो पूछे सेना आ रही है। What is interesting about Bhimbetka's rock shelters is the fact that it indicates a near continuous occupation and evolution from say 60,000 BCE to 1000 CE. The art here is a reflection of the evolution and covers a gamut of subjects and styles, from mythical beasts, hunting scenes, and rituals. Broadly, the art here in Bhimbetka has been divided into 4 to 5 eras, starting with the Mesolithic with the classic use of red and more complex Chalcolithic paintings from later. By the early historic period, you have evidence of horses and later of marching armies and wars. Archaeologists believe that these caves may have had ritual and religious significance over centuries, from the earliest man to medieval villagers. In fact, even today, the area around Bhimbetka is dominated by tribals. Vyas tells us how the entire region in and around Bhopal is rich in sites. ऐसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा तो पूरे, यदि हम विश्व की तुलना करेंगे तो विश्व की तुलना करें तो हर देश में मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में मिलते हैं, और भारत में भी जो सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो मध्य प्रदेश में, और ये भोपाल के आसपास जो 5 जिले हैं भोपाल डिवीज़न के, उस पर सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो वैसे चित्रकला के दृष्टिकोण से हमने मुख्य रूप से 3 डिवीज़न बनाए, एक मध्य क्षेत्र जिसमें यह भोपाल के आसपास का क्षेत्र है, दूसरा रीवा का क्षेत्र वहाँ पर कई रॉक शेल्टर, और तीसरा मंदसौर का क्षेत्र जो चंबल नदी के किनारे है। तो चंबल के किनारे पर कई तरह के रॉक शेल्टर्स हैं, लेकिन उसमें क्या है कि जो बनाने की शैली है वो अलग है, क्योंकि ये बेतवा या शैली बेतवा वैली है और उधर चंबल वैली है, तो इस अलग अलग रिवर वैलीज में होने से इनकी स्टाइल भी बदल गई, रहन सहन भी बदल गया, खान पान भी बदल गया, सब चीज़ें उसमें बदल जाती। जब हिस्टोरिकल के बाद जब वो डेवलपमेंट होता है तो उसमें क्या है कि एक कला का थोड़ा सा पतन देखने को मिलता है, जितने हिस्टोरिकल के अच्छे हैं उतने मिडिवल में नहीं मिलते हैं, क्योंकि चूँकि क्या है उससे समकालीन जैसी समाज व्यवस्था थी वो अलग टाइप धीरे धीरे होने लगी, कला पे कम प्रभाव होने लगा। तो उस समय क्या है मिडिवल पीरियड में पूजा पाठ के दृश्य और जो आकृतियाँ होती थी वो ट्रेंगुलर शेप में होती, ज्योमेट्रिकल पैटर्न में होती, चाहे उसमें आदमी बनावे चाहे जानवर बनावे, सब ट्रेंगुलर शेप में होती थी। तो उसमें क्या है कि उतनी कार्यक्षमता उतनी शैली में सुंदरता नहीं थी, क्योंकि ये ट्राइबल्स तो काफ़ी समय से रह रहे हैं, ऐसे ट्राइबल्स यहाँ सेंट्रल इंडिया में एक क्षेत्र में 14-15 शताब्दी के बाद में जब राजाओं का समय कुछ ऐसा हो जाता है कि उस समय लोग नहीं, तो ट्राइबल धीरे 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 बढ़ते थे। तो यहाँ पर जो असुविधा रहने लगी तो धीरे धीरे उन्होंने जितना ट्राइबल जो पहाड़ी एरिया है आसपास गांव बनाना शुरू किए। तो यहाँ मुख्य रूप से इस क्षेत्र में गोंड जाति के लोग ज़्यादा थे, क्योंकि गोंडवाना क्षेत्र में भी आता है, विंध्याचल में भी आता है, तो गोंड लोग यहाँ काफ़ी लोग थे, जिसमें दुर्गावती जो वहाँ की रानी थी गढ़मंडला की, उससे कई गढ़ थे। तो ये भोपाल के क्षेत्र भी आसपास का रायसेन क्षेत्र भी है गढ़मंडला और उसमें आता था, क्योंकि यहाँ आदिवासी ज़्यादा थे। तो धीरे धीरे यहाँ असुविधा होने लगी खाने पीने की रहने के लिए, तो अपनी सुविधा के लिए यहाँ से मकान बनाने लगे, क्योंकि कला एक परंपरा है तो परंपरा वो समाप्त होनी हुई। The Vindhyachal ranges with the Narmada and the Satpura beyond has been home to the subcontinent's earliest life, be it dinosaurs or early man.
This is not surprising, as this is also the oldest part of India at its very heart. Come to Bhimbetka and you will get a sense of just how old life is here. Time stands still and you hear echoes from the past through the vivid art they left behind.